सत्ता जाने के बाद से पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। वाईएस जगनमोहन रेड्डी के आदेश के बाद उनके घर प्रजा वेदिका पर जेसीबी चला दी गई। इसके विरोध में वहां उनके काफी समर्थक पहुंच गए। आंध्र प्रदेश की सत्ता से विदाई के बाद चंद्रबाबू नायडू को मिल रही सहूलियतें लगातार कम होती जा रही हैं। तेलुगु देशम पार्टी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू के परिवार के सदस्यों की सुरक्षा में भी कटौती की गई है। बेटे नारा लोकेश को मिली जेड श्रेणी की सुरक्षा को हटा लिया गया है। पूर्व मंत्री नारा लोकेश की सुरक्षा को 5+5 से घटाकर 2+2 कर दिया गया है। इस पूरी खबर के बाद नायडू के समर्थकों में गुस्सा दिखाई दिया। बड़ी संख्या में उनके समर्थक घर के बाहर इकट्ठा हो गए और जेसीबी किस तरह से चली है वो तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू को जो सहूलियतें मिली थी लगातार वो कम होती जा रही हैं। तो सत्ता तो चली गई, इसके अलावा जो सहूलियतें मिल रही थी वो भी धीरे धीरे करके चंद्रबाबू नायडू का साथ छोड़ती चली जा रही हैं। वाईएस जगनमोहन रेड्डी के आदेश के बाद उनके घर पर जेसीबी चला दी गई। इसका विरोध किया समर्थकों ने। जैसे खबर समर्थकों को मिली बड़ी संख्या में चंद्रबाबू नायडू के घर के बाहर समर्थक इकट्ठा हो गए। तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष हैं चंद्रबाबू नायडू, पूर्व सीएम हैं और परिवार के सदस्यों को भी जो सुरक्षा मिली थी उसमें कटौती की गई है। पहले जेड श्रेणी की सुरक्षा मिल रही थी उनके बेटे नारा लोकेश को, अब उसे भी हटा लिया गया है।